बच्चों, आज हम बायोलॉजी में प्लांट टिश्यू की स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको टिश्यू के बारे में बता देते हैं। टिश्यू होता क्या है? टिश्यू जो है अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सेल्स के ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहते हैं। वो टू पार्ट्स में कह सकते हैं कि मतलब टू टाइप्स के होते हैं। एक तो ऐसे टिश्यू है जिनमें सिमिलर टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक ही जैसे सारे सेल्स होते हैं, उन सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। और एक ऐसे भी हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उसे भी हम लोग, वो भी टिश्यू होता है। ठीक है, और कहने का ये मतलब है कि टिश्यू जो होते हैं प्लांट सेल में भी, वो प्लांट में भी पाए जाते हैं, सॉरी, और एनिमल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये जानते ही होंगे कि किसी भी बॉडी, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनकी बॉडी के फॉर्मेशन का सबसे यूनिट जो इकाई होता है वो सेल होता है, और सेल के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो मस्ट है कि ये दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में जानते हैं। प्लांट टिश्यू जो होता है इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म्स एन ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन फॉर द प्लांट। ठीक है, प्लांट के लिए क्या होता है कि ये कलेक्शन है किस चीज़ का, सिमिलर सेल्स का। ठीक, और परफॉर्मिंग करते हैं एंड ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन फॉर द प्लांट। ईच प्लांट टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ यूनिक पर्पोज, सॉरी, यूनिक पर्पज एंड कैन बी कम्बाइंड विद अदर टिश्यूज टू क्रिएट ऑर्गेन सच एज लीफ, फ्लावर, स्टेम एंड रूट। ठीक है, जो टिश्यू होते हैं, प्रत्येक प्लांट के जो टिश्यू होते हैं उनमें ये खासियत होती है, फॉर अ यूनिक पर्पज, उनका एक पर्पज होता है, एंड कैन बी कम्बाइंड, और वो कंबाइंड करते हैं विद अदर टिश्यूज के साथ टू क्रिएट ऑर्गेन्स, और उनसे ऑर्गेन्स फॉर्म करते हैं, सच एज, जैसे लीव्स है, फ्लावर है, स्टेम एंड रूट है। ठीक है, चलिए अब डिटेल लेते हैं, डिटेलिंग में कि इसका, पहले तो आप देख लीजिए प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है कि प्लांट टिश्यूज कितने पार्ट में या कितने, ठीक है, डिवाइड होते हैं, वो आपको एक फॉर्मेट है। इसके बाद फिर इसमें हम लोग डिटेल से नॉलेज लेते हैं। पहले तो प्लांट टिश्यू जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो एक सिंगल है, उसके कोई पार्ट नहीं है। बट परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा है? सिंपल, एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो है वो भी क्या कहते हैं, थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है आगे चल के, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, और जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो फोर फोर पार्ट में डिवाइड होते हैं, बट यहाँ पे मेन पार्ट दिखाए गए हैं जो टू टू पार्ट्स होते हैं। जाइलम वेसल्स होते हैं एंड ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, एंड फ्लोएम में क्या होता है? सीव ट्यूब्स होते हैं एंड कंपेनियन सेल होते हैं। जो दो अदर्स जो टिश्यूज हैं वो हैं, एक होता है पैरेन्काइमा और एक होता है फाइबर, जो दोनों में ही सेम सेम होता है। जैसे जाइलम पैरेन्काइमा होगा और जाइलम फाइबर होता है। ठीक, इसी प्रकार फ्लोएम में होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है एंड फ्लोएम फाइबर होता है। ठीक है, चलिए अब डिटेल से स्टडी करते हैं। पहला तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट में ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर डिवीज़न हो रहा होता है। ठीक है, मतलब सेल का डिवीज़न हो रहा होता है। ठीक है, तो प्लांट जो होता है वो तीन जगह से मतलब इंक्रीज करता है या ग्रोथ करता है। ठीक है, जहाँ पे मोस्टली उनका डिवीज़न हो रहा होता है। फर्स्ट जो होता है वो एपिकल पार्ट होता है। आपने देखा ही होगा, प्लांट जब छोटा सा होता है वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, तो उसका जो अपर वाला जो पार्ट होता है वहाँ से आप उसको ग्रोथ करते हुए देखते हो। ठीक है, तो उस पॉइंट पर ही उसका डिवीज़न हो रहा होता है। ठीक है, तो उस पार्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते हैं कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर सेल का डिवीज़न हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे भी कुछ सेल्स जो हैं वो डिवाइड करती हैं, और उस जगह से भी क्या कहते हैं, मतलब ब्रांचेज है, लीव वगैरह जो ग्रो करके निकलती हैं। ठीक है, तो वो पार्ट भी आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही थ्रू होता है। ठीक है, आता है। थर्ड जो होता है, जब प्लांट जो होते हैं वो मोटाई से बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो मोटाई से बढ़ने का मतलब है कि उनमें जो कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है, तो उस जगह पे भी इनका डिवीज़न हो रहा होता है सेल का। तो
तो वहाँ पे जो बनने वाले जो टिश्यूज होते हैं उनमें सभी में डिवाइड हो रहे होते हैं, डिवीज़न हो रहा था, तो उस पार्ट को भी या उस टिश्यूज को भी हम लोग मेस्टमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो मेस्टमेटिक टिश्यूज मतलब होने के बाद कह सकते हैं, या सेल डिवीज़न, जो सेल डिवीज़न होने के बाद जो नीचे वाली सेल्स रहती जाती हैं। ठीक है, जैसे एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जो पुरानी वाली सेल है अब उसमें डिवीज़न नहीं होगा। ठीक, अब ऊपर वाली जो नई सेल बनी है उनमें डिवीज़न होता है। ठीक, तो इस तरह कर करके जो नीचे सेल रहती जा रही होती हैं तो उन्हें हम लोग परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक, उन सेल्स के ग्रुप को परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं, उनमें कोई भी डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो क्या कहते हैं, टू पार्ट में बताया है, डिवाइड होते हैं। एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो पहले सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते क्या है ये देख लीजिए। सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जिनमें क्या कहते हैं, सेल एक ही टाइप के होते हैं, मतलब एक ही टाइप के सेल का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, उसमें एक ही टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, मतलब साइज में, स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये होता है। तो अब ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला कौन सा है, पैरेन्काइमा, सेकंड क्या है, कोलेन्काइमा, एंड थर्ड क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। फर्स्ट देखिए पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सॉफ्ट, ये जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, और बिल्कुल फर्स्ट लेयर एक ही लेयर का ऐसे करके खूब सारे, मतलब सॉरी ऐसे ऐसे करके बने हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और वो बिल्कुल ही सॉफ्ट पार्ट होते हैं। ठीक, और ये हमेशा क्या कहते हैं, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक, अपर साइड दो तीन लेयर की जो होती है वो कोलेन्काइमा होगी, फिर इसके बाद कभी कभी किसी प्लांट में स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है पहले, और किसी किसी में क्या कहते हैं, रूट वाले स्ट्रक्चर में, मतलब सेंटर वाले पार्ट में आता है। ठीक है, और ये जो होता है, जो मोस्टली पार्ट होता है, सेक्शन जब काटते हैं स्टेम का या रूट का, तो मोस्टली जो पार्ट होता है वो पैरेन्काइमा का ही होता है। ठीक, बीच का पार्ट जितना भी सॉफ्ट वाला दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो ये बिल्कुल कलरलेस भी होते हैं, प्लेन होते हैं। ठीक, चलिए, और ये ठीक है, और सेम ही स्ट्रक्चर, ये तो आपको बता ही दिया कि सेम सेल वाले ही होते हैं, सेम सेल के ग्रुप ही होता है। ठीक है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है उसमें पैरेन्काइमा ऐसा होता है जो बिल्कुल सिंगल, वो क्या कह सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जो होता है वो इनमें क्या होता है, इनके जो सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है, ये जैसे देखिए, ये देखिए, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके बना हुआ है, ये ऐसे करके, एंड देन तो ये जो बीच का जो स्पेस होता है ना, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्पिल रहता है, तो इसकी वजह से ठीक है, ऐसे करके ये होता है। तो ये जो होते हैं कोलेन्काइमा, इसी की वजह से पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा के बीच को क्या कहते हैं हम लोग, क्योंकि पैरेन्काइमा है कि टिश्यूज़ ही उसमें क्या कहते हैं, कभी कभी जो कॉर्नर पे क्लोरोप्लास्ट वाली कंडीशन आने के बाद वो क्लोरोकाइमा में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, स्क्लेरेन्काइमा जो होती है वो थोड़ी हार्ड होती है और डबल स्टैंड वाली होती है। ठीक है, कैसी होती है, डबल स्टैंड वाली सेल्स होते हैं इसमें ऐसे करके, तो ये थोड़ी सी टफ होती है, हार्ड होती है। ठीक है, ये सॉफ्ट होता है, ये भी थोड़ा सॉफ्ट होता है, और ये हार्ड होती हैं। ठीक, इस तरह करके इनके स्ट्रक्चर में ऐसे करके फॉर्म होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, आप जब कभी भी सेक्शन वाला पार्ट आप देखोगे सेल का आगे चल के, तो फिर उसमें हम आपको ये डिटेल से दिखाएंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपको बताया है कि वैसे टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहले तो ये देख लीजिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता क्या है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, जो सेल्स के ग्रुप होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स का जो ग्रुप होता है मिलकर वो किसी एक काम को करते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंट टाइप के सेल्स के ग्रुप को हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कौन सा है, जाइलम होता है एंड फ्लोएम होता है। ठीक है, और जाइलम के हमने आपको बताया है कि जाइलम के जो फोर पार्ट होते हैं, यहाँ पे मेनली टू पार्ट्स इसलिए दिखाया गया क्योंकि वो मेनली हैं। ठीक है, जो डिफरेंट है एक दूसरे से,
एक होता है वेसल्स होता है, और एक कौन सा होता है ट्रैकेट्स होते हैं जो जाइलम में होते हैं, अनफ्लोएम में कौन सा होता है शीव ट्यूब्स होते हैं, एंड कंपेनियन सेल्स होती हैं, ठीक है। बाकी दो सिमिलर होते हैं, वो सारे एक साथ मिलने के बाद एक कंबाइंड वर्क करते हैं, ठीक है। जाइलम का वर्क जो होता है वो रूट में या प्लांट को रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट पूरी बॉडी में सप्लाई करना होता है, ठीक है। और फ्लोएम का वर्क क्या होता है जो टिश्यूज़ का, जो फूड फॉर्मेशन होता है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव करते हैं, ठीक है, प्लांट, तो वो फूड को अपर से नीचे मतलब रूट तक लेके आना, ठीक है, ये दोनों का काम होता है। चलिए, ये आपका स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आपकी वो सारी चीज़ जो मतलब क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है, मेस्टमेटिक टिश्यू आप देख ही रहे हो, ठीक है, ये थ्री पार्ट्स में, जहाँ पे प्लांट के थ्री पार्ट्स होते हैं उस जगह पे ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। मतलब जैसे एक है आपका एपिकल मेस्टमेटिक, आप देख ही रहे हो, ठीक है, ये है आपका एपिकल मेस्टमेटिक है जो बिल्कुल यहाँ पे होता है, ये पॉइंट होता है, ठीक है, ये वाला ये है, ठीक है। सेकेंड है आपका इंटरस्टेलर मेस्टमेटिक जो होते हैं वो बीच से कहीं से भी जब निकल रहे होते हैं, ठीक है। लैटरल मेस्टमेटिक जो मोटाई से ग्रोथ कर रहे होते हैं, ठीक है, ये चीज़ ये आपका लैटरल है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज़ बताया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल में देखिए स्ट्रक्चर, इससे क्लियर हो जाएगा आपका। पैरेन्काइमा देखिए बिल्कुल सिंपल सा होता है एंड सॉफ्ट होता है, ठीक है, और इसमें इंटरस्टेलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होता है कोलेनकाइमा में नहीं होता, और ये डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, और ये एक तरह से लिविंग टिश्यूज़ भी होते हैं, ठीक, दोनों पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, और इनके बीच में क्लोरोप्लास्ट फिल होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्क्लेरेनकाइमा जो है ये डेड टिश्यूज़ कहलाते हैं। ये हमेशा जैसे प्लांट का जो बार्क वाला छाल जिसे कह सकते हैं हम लोग, तो वो वाले जो पार्ट होते हैं या हार्ड वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो वो सारे जो पार्ट होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा का ही फॉर्म होता है, ठीक है, ये डबल स्टैंड वाले होते हैं, ठीक, देख लीजिए स्ट्रक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम दे रखा हुआ है, ठीक है, तो जाइलम में क्या आया था वेसल्स एंड क्या कहते हैं ट्रैकेट्स होते हैं, ये है ट्रैकेट्स है आपका, ठीक है, जो कॉर्नर कोने साइड से निकले हुए होते हैं, ठीक, और ये फ्लोएम में यहाँ पे स्टीव ट्यूब्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड ये कंपेनियन सेल्स होती हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा बहुत फंक्शन है आपको हमने बीच बीच में बता ही दिया है, ठीक है, टिश्यूज़ के फंक्शन। फर्स्ट क्या दे रखा हुआ, हेल्प प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू ऑर्गेन्स, ठीक है, ये तो आपको ही पता है कि प्लांट में ये जो टिश्यूज़ के ग्रुप होते हैं वो एक तरफ से उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं, ठीक है, स्ट्रेट रखने के लिए उसके ऑर्गेन्स को, ठीक है। फिर है दे हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑर्गेन्स, ठीक है, इससे भी ये भी क्लियर है कि उनमें जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें इतने ज़्यादा मतलब सॉफ्ट वाले भी होते हैं, हार्ड वाले भी होते हैं, जिसकी वजह से उसमें इलास्टिसिटी होता है एंड क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है, वो जिस साइड भी मुड़ते हैं वो टूटते नहीं है जल्दी, ठीक है, वो इधर उधर कहीं पे भी जब हवा बहुत तेज से आती है तो वो मुड़ जाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और दे हेल्प द टिश्यू टू बेंड ईजली इन वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक लीफ स्टेम एंड ब्रांचेस विदाउट डैमेजिंग द प्लांट। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है जो टिश्यूज होते हैं वो ईजली जो मतलब अदर पार्ट में कन्वर्ट भी होने लगते हैं जब एक, ठीक है, मतलब जैसे वो प्लांट के लीफ स्टेम एंड ब्रांच को फॉर्म करते हैं विदाउट डैमेजिंग इन प्लांट, ठीक है, बिना किसी प्लांट को नुकसान किए हुए वो ग्रुप जो टिश्यूज़ के होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं अपने को, ठीक है, फॉर्म भी करने में काम करते हैं लीफ है स्टेम एंड ब्रांच को, ठीक है। आपको हमने जाइलम और फ्लोएम का वर्क बता भी दिया था, ठीक है, इसमें वही चीज़ है, द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द प्लांट्स, ठीक है, कि जाइलम जो होता है वो वाटर का सप्लाई करता है एंड फ्लोएम जो होता है वो फूड का सप्लाई करते हैं, ठीक है, बॉडी प्लांट में। दे डिवाइडेड टू प्रोड्यूस न्यू सेल एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, इसमें वही चीज़ है कि जो न्यू सेल ये फॉर्म करते हैं टिश्यूज़, ठीक है, सेल में डिवीज़न होता है, फिर एक सेल से दूसरी सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक, इस प्रकार क्या होता है प्लांट का ग्रोथ भी होता है। दे हेल्प इन वेरियस सेलुलर मेटाबॉलिज्म लाइक फोटोसिंथेसिस,
रीजनरेशन एंड रेस्पायरेशन ETC, ये आप जानते ही हैं कि प्लांट में होता है। और ये क्या कहते हैं, ये सारी किस कंडीशन में, क्योंकि टिश्यूज़ ही प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं में सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। क्योंकि टिश्यू क्या होता है, एक सेल का ग्रुप होता है, तो वो जितनी भी प्रोसेस होंगी वो सब उन्हीं में ही होती है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर अदर टॉपिक पे बात करते। ओके, थैंक यू।